अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। मैं हूं अतीक हाशमानी और आप देख रहे हैं ए म्यूटेशन फिंचेस कराची। एक बार फिर हाजिर हूं आप दोस्तों की खिदमत में एक अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है, क्वेश्चन नंबर 3 की आज बारी है। और जो मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, उसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बता दूँ के डॉक्टर मसूद की होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसमें चाइना क्यू और अल्फा क्यू का बेसिकली यूज़ किस लिए है बर्ड्स में। और जो चाइना क्यू और अल्फा क्यू जो है हम सर्दियों में सिर्फ दें या गर्मियों में दें। और तीसरा जो इस क्वेश्चन का पार्ट जो पूछा गया वो ये है कि इसको कितने पानी में कितने ड्रॉप्स डाल के और कितने बर्ड्स के लिए। तो ये सब इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को इसका डिटेल बताता हूँ, उसका एक्सप्लेन भी सही से मैं आप लोगों को कर देता हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो चलें, तो दोस्तों क्वेश्चन के डिटेल ये है कि चाइना क्यू और अल्फा क्यू जो है, पहले तो ये है कि इसका बेसिकली जो यूज़ है वो है विटामिन और एंटी एलर्जी के तौर पर। ज़्यादातर इसमें विटामिन हैं जो बर्ड्स के जो कम्प्लीटली, यानी कि आप अपने बर्ड्स को तकरीबन 1 वीक या आप देंगे तो आप तभी इसमें चेंजिंग अपने बर्ड्स में देख लेंगे कि उसकी एक्टिवेशन और उसकी यानी कि शार्पनेस और उसकी ब्रीडिंग जो होगी और क्या कहते हैं बर्ड्स की जो ब्रीडिंग में जो अनफर्टिलिटी है वो भी दूर होगी ये चाइना क्यू अल्फा क्यू से। और बर्ड्स जो बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव दिखेगा आप लोगों को। चाइना क्यू और अल्फा क्यू बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप अपने बर्ड्स को दें, क्योंकि ये मैं तो कहता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन में ये बर्ड्स के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है, बहुत बेस्ट दवाई है, आप अपने बर्ड्स को दें जरूरी है। और इसका जो सेकेंड पार्ट था इस क्वेश्चन का कि ये सर्दियों में देनी चाहिए या गर्मियों में, ये आप हर सीज़न में दे सकते हैं, आप पूरा साल दें इसको। और जब भी आप लोगों को, आप पहले तो ये 15 डेज का कोर्स करवाएं और फिर इसके बाद 2-4-5 दिन ठहर जाएँ। और फिर इसके बाद ये है कि जब है ना आप बर्ड्स को इसके बाद वापस आप सिर्फ 1 वीक पे, फिर इसके बाद 5 दिन ठहर जाए, फिर इसके बाद 1 वीक पे, फिर 5 दिन ठहर जाए। तो इस तरह दें आपके बर्ड्स बहुत एक्टिव रहेगा और बहुत उसमें शार्पनेस और हेल्दी आपको दिखेगा बर्ड्स, यानी कि एक जो स्पिंचेस का जो साइज़ होता है बिल्कुल छोटा और यानी कि सुपरा टाइप यानी बिल्कुल पतला होता है, नहीं वो नहीं दिखेगा आप लोगों को। आप लोगों को बर्ड्स जो है खाता हुआ अच्छा दिखेगा एक तो इससे, और आपका बर्ड्स जो है बिल्कुल यानी हेल्दी दिखेगा, आपको बर्ड्स का साइज अच्छा दिखेगा इससे। और इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो ये है कि अपने बर्ड्स को कितने क्वान्टिटी में यानी कितने पानी में कितने ड्रॉप्स डालें और इतना पानी हम अपने कितने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो इसका ये है कि जैसे कि देखिए मेरे पास तो होता है 45-50 पेयर्स हैं, तो उसके लिए मैं ये यूज़ करता हूँ कि जैसे कि 2 लीटर पानी होता है और इसमें मैं 15 ड्रॉप्स चाइना क्यू के और 15 ड्रॉप्स अल्फा अल्फा क्यू के मैं डाल देता हूँ। और फिर इसको मिक्स करके हिला के मैं ना रेगुलर में दे देता हूँ, तकरीबन वही मैंने आप लोगों को बताया कि 15 डेज और फिर इसके बाद 5 दिन थे ना, फिर इसके बाद 1 वीक, फिर 5 दिन थे ना, फिर 1 वीक, इस तरह मैं देता हूँ। तो अब ये है कि अब आप लोग अपने बर्ड्स के हिसाब से देखिए कि आप लोगों के बर्ड्स को अगर 2 लीटर आप लोग, जैसे कि अब मैं 50 पेयर्स हैं, 25 पेयर्स के लिए 1 लीटर पानी होता है, तो उसमें आप ना 7-8 ड्रॉप कर लें। और अगर आपके 100 पेयर्स हैं तो 4 लीटर टोटल होगा, फिर इसमें आप ना पर, लेकिन अगर 100 पेयर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 30 ड्रॉप डाल दिए, नहीं, आप लोग को 4 लीटर पानी में आपको 20 ड्रॉप्स डालना है, बस 20 ड्रॉप्स चाइना क्यू के और 20 ड्रॉप्स अल्फा क्यू के, बस इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं डालना, क्योंकि इतने पानी में यानी कि 4 लीटर पानी में इतना बहुत है। और इंशाल्लाह ताला ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यह आप अपने पास रखें चाइना क्यू और अल्फा क्यू डॉक्टर मसूद की होम्योपैथिक मेडिसिन जो है अपने पास रखें, क्योंकि ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है, उसमें आप लोगों को साइज और आप लोगों का एक्टिव आपके हेल्थ वगैरह आपके बर्ड्स में आप लोगों को चेंजिंग बहुत अच्छी दिखेगी। 1 वीक और 10 डेज के बाद आप लोग देखेंगे कि काफ़ी चेंजिंग आ गई। तो ये बेस्ट है विटामिन्स के लिए, अपने आपके बर्ड्स के विटामिन्स कंप्लीट करने के लिए और उसकी ब्रीड अच्छी करने के लिए ये बेस्ट है ये अपने पास रखें। तो ये थर्ड क्वेश्चन की मैंने आप लोगों को डिटेल वाइज कम्प्लीटली आप लोगों को बता दी और काफ़ी क्वेश्चन आए हुए इंशाल्लाह ताला मैंने आप लोगों को बताया ना डिटेल वाइज, एक एक करके मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो
और भी आप लोग क्वेश्चन पूछें, अब ये अच्छी बात है कि आप लोग पूछ रहे हैं, न्यू फैंसर्स को बहुत बेनिफिट इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि आप जो क्वेश्चन आंसर सीरीज आपने जो स्टार्ट की है इससे हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है। और न्यू फैंसर्स का तो काफ़ी मैसेज आने लगे माशाल्लाह, जो बेचारे दो तीन पीयर चार पीयर से जो रखे हुए इन्होंने, तो जाहिर सी बात है वो बेचारे स्टार्ट कर रहे हैं एक कॉमन फिंचेस से, ज़ेब्रा फिंचेस से। तो और मैं जो चीज़ें बताता हूँ उनके बजट भी बता रहा हूँ, तो वो बहुत खुश हैं इस हिसाब से और बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी, आप लोग क्वेश्चंस जो न्यू फेंसर्स भी हैं उनको भी कहता हूँ, जो काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं उनको भी कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस पूछते रहें ताकि आप लोगों की वजह से, ओल्ड फेंसर्स की वजह से न्यू फेंसर्स को काफ़ी बेनिफिट पहुँचता रहे। तो आप लोग पूछें और इसकी मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 के आप लोग को डिटेल मैंने बता दी। अब इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। तो अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।